हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कमेंट्स कर देख के फिर से पहुंचा हुआ मोतिहारी में, मोतिहारी सेकंड हैंड ट्रैक्टर बाज़ार में, जहां पे आप लोगों को सेकंड हैंड हर वो कंपनियां के ट्रैक्टर मिलेंगे। जैसे सेकंड हैंड मिनी ट्रैक्टर, मेरे एक दोस्त कमेंट्स किए थे कि आप मोतिहारी में सेकंड हैंड मिनी ट्रैक्टर्स का वीडियो बनाइए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी दोस्त सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पे आके सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीद सके। आज यहाँ पे के हैं शॉप ओनर है ट्रैक्टर के, तो उनसे कुछ बात करते हैं और यहाँ के एड्रेस जानते हैं। सबसे पहले सर, आप अपना एक एड्रेस बताइए कि यहाँ पे लोग आसानी से आ सके। मेरा सर नाम हुआ भोला कुमार सिंह जी। एड्रेस है चंपारण कृषि केंद्र जी, मोतिहारी बरियारपुर जी। ठीक, आपके पास कौन कौन से सेकेंड हैंड ट्रैक्टर उपलब्ध है अभी के डेट में? पावर ट्रैक है, सोनालिका है, महिंद्रा है, आपको स्वराज है, उसके बाद में आइसर भी है, और यही सब गाड़ी है। जो डिमांड होगा गाड़ी मिल जाएगा। हाँ, जो डिमांड होगा वो गाड़ी मिल जाएगा। अभी आने वाला है, माने 10 गाड़ी और आने वाला है, कल या परसों में आएगा। तो आज के आप इस वीडियो में हमें सबसे फर्स्ट कौन से ट्रैक्टर के बारे में बताने वाले हैं, इस ट्रैक्टर के बारे में बताइए। ये ट्रैक्टर स्वराज 742 एफई, मोतिहारी नंबर है, मॉडल 18 है। ठीक है, और बात करें इसके चक्के के, तो ये बिल्कुल न्यू दिख रहा है। कितना घंटा तक चला हुआ है ये गाड़ी? चला हुआ है 700-800 घंटा बस। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका चक्के की बात करें तो पिछले चक्के को आप देखिए, बिल्कुल ये तो बिल्कुल लगता है चला ही नहीं है, क्योंकि इसका जो रबड़ है वो भी अभी तक नहीं उधरा हुआ है। देख सकते हैं आप, इस ट्रैक्टर को आप खरीदते हैं तो बिल्कुल समझिए कि आप न्यू ही ट्रैक्टर खरीदने रहे हैं। आप इस ट्रैक्टर को खरीद के बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। इस ट्रैक्टर का प्राइस क्या रखे हैं आप? इस ट्रैक्टर का प्राइस है 3,70,000 रुपया। मात्र 3,70,000? 3,70,000। दोस्तों, ये ट्रैक्टर सिर्फ आपके लिए है, देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ट्रैक्टर है। इतना सस्ता ट्रैक्टर शायद आप लोगों को बिहार में कहीं भी नहीं मिलता। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो को देख के यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, इसका दाम सुनकर मैं खुद हैरान हूं। मैंने अभी तक जितना भी जगह का वीडियो बनाया, इतना सस्ता ट्रैक्टर आप लोगों को शायद कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग मोतिहारी में ज़रूर आइए इनके शॉप पे, और आप लोगों को इनके पास बहुत ही सारी कंपनियाँ के हैं, और यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उसके बारे में तो बताऊँगा ही। अगर इसके अलावा आप लोग को और कोई सा भी ट्रैक्टर चाहिए तो उसका भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये महिंद्रा कौन सा है, यूवो 475 DI के बारे में बताइए। ये 19 मॉडल है, बेतिया नंबर है, चार सिलेंडर गाड़ी है, और इसका प्राइस हम लोग रखे हैं 3,50,000। 3,50,000? हाँ, ये भी 3,50,000 है। कितने HP की गाड़ी है ये? आपको 42 HP गाड़ी है। 42 HP की गाड़ी है। दोस्तों, ये जो महिंद्रा आप देख रहे हैं 42 HP की गाड़ी है, और बिल्कुल नई है, इसमें भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है? बेतिया का नंबर है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो महिंद्रा जो का जो मिनी ट्रैक्टर है, इसके बारे में बताइए। 215 ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है जी, इसका नंबर नहीं है जी। इसका प्राइस है 1,05,000 रुपया। हाँ, न रजिस्ट्रेशन करवाने में ज़्यादा पैसा लगेगा, इसलिए अनरजिस्टर्ड ही चलेगा। अगर कोई चाहता है करवाने के लिए तो हो जाएगा जी। दोस्तों, अगर आप लोग इस छोटी मिनी ट्रैक्टर को लेकर जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं। ये वैसे तो इसको ऐसे भी चला सकते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो वो भी यहाँ पे सेवा उपलब्ध। अभी तक आपने जो भी हमको गाड़ियाँ दिखाई है, वो जो भी गाड़ियाँ हैं वो फर्स्ट ऑनर है? सब फर्स्ट ऑनर। मैं वीडियो के शुरू में आपसे एक सवाल करता हूं कि जैसे आप भी बिहारी और हम भी बिहारी, ज़्यादातर लोगों को ये डाउट होता है पेपर वर्क के लेके, तो पेपर में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ताकि मेरा कोई भी व्यूअर सब्सक्राइबर आए, अगर कोई आपके पास से गाड़ी लेकर जाता है तो पेपर के लेके उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उनसे ट्रांसफ़र होता है जी तो खुद करवा लेंगे, अगर नहीं होता है तो हम खुद करवा देंगे। पैसा उसमें जो लगेगा उनको देना होगा, कस्टमर को देना जी। तो दोस्तों, पेपर को लेके आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है, पेपर भी यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। ट्रांसफ़र आप खुद करवा सकते हैं तो करवाइए, अगर नहीं कराएंगे तो ये सर है ये करा के देंगे। महिंद्रा 585 DI के बारे में बताइए। ये महिंद्रा 585 ये भी बेतिया नंबर है जी, ये 19 मॉडल है जी, और इसका भी प्राइस 3,50,000 है। इसे कितना HP का है ये? ये 45 HP का है। बात करें इस ट्रैक्टर से तो कौन कौन सी कृषि यंत्र हम इससे चला सकते हैं, जैसे रोटावेटर मिट्टी लोडर और पकमेल जो चलता है ईंट बनाने के लिए, भट्टा ईंट में जो चलता है, मिट्टी सानने के लिए ये भी चला
सकता है, कोई भी काम कर सकता है। दोस्तों आप इस ट्रैक्टर को अगर खरीदते हैं, अगर आपके पास कोई सा भी कृषि यंत्र है जैसे थ्रेसर हो गया, रोटावेटर हो गया, मिट्टी लोडर हो गया या ट्रॉली है, यानी किसी भी तरह से आप इस ट्रैक्टर को यूज कर सकते हैं। प्राइस क्या बताया इसका अपना? 3.5 लाख, मात्र 3.5 लाख का ये भी ट्रैक्टर है। दोस्तों आपके सामने है सोनालिका, जो सोनालिका की सबसे बढ़िया है, और देख सकते हैं इसका जो बात करें इसके पेंट के तो बिल्कुल न्यू है, कहीं से भी कोई स्क्रैच नहीं है, कोई दाग धब्बा नहीं है। बात करें इसके चक्के के तो देख सकते हैं आप, ये भी जो है 75% तक इसके चक्के बचे हुए हैं। इस ट्रैक्टर को भी आप खरीदते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे खासे फ़ायदा होंगे। बताइए सोनालिका का सारे डिटेल्स बताइए। ये सोनालिका है DI 735 RX सिकंदर जी, इसका अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। हम अगर कोई लेता है तो हम इसको रजिस्ट्रेशन करवा के देंगे छापरा से, जी छापरा से करवा के देंगे हम। और उसके बाद में इसका प्राइस है 4 लाख रुपया। गाड़ी मॉडल मार्का है इसका 19, पेपर 2022 का देंगे, यानी करवा के उन्हीं के नाम से करवा के देंगे। अभी तक आपने जितने भी गाड़ियाँ दिखाई है, क्या ये बैंक से खींची हुई गाड़ियाँ होती है या एक्सचेंज की होती है? सब बैंक से खींची हुई गाड़ी, बैंक से खींची हुई। अगर किसी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर किसी मेरे दोस्त के पास अगर कोई दूसरी ट्रैक्टर गाड़ी है वो लेकर आके यहाँ से कोई एक्सचेंज करके लेके जाना चाहते हैं तो क्या आपके पास वो हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हाँ हो सकता। दोस्तों अगर आपके पास कोई पुरानी ट्रैक्टर है, अगर आपको यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से कोई ट्रैक्टर पसंद आता है तो उसका उचित कीमत लगा के आपको दूसरा ट्रैक्टर दे दिया जाएगा। लास्ट ट्रैक्टर है पावर ट्रैक, पावर ट्रैक के बारे में बताइए। पावर ट्रैक है 2021 मॉडल जी, 213 घंटा चला हुआ है जी। इसका प्राइस है 4,60,000 रुपया, 4,60,000। बेतिया नंबर है जी। ठीक है, अगर किसी को लोन करवाने का भी ज़रूरत है लोन भी करवा के हम दे देंगे जी। अभी तक आपने जितने भी गाड़ियाँ दिखाई है क्या सब पे लोन के सुविधा? लोन करवा देंगे, सब पे लोन करवा देंगे। दोस्तों सेकेंड हैंड ट्रैक्टर पे लोन शायद कहीं नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सेकेंड हैंड ट्रैक्टर पे भी लोन किया जाएगा, लोन पे ही दे देंगे गाड़ी उनको, लोन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा पैसा एक साथ में नहीं है तो लोन पे भी ये सारे जो ट्रैक्टर है ले सकते हैं। ये जो पावर ट्रैक है कितना एचपी का है? ये पावर ट्रैक 42 HP का गाड़ी है। हाँ थोड़ा प्राइस बता देते फिर। इसका प्राइस है 4,60,000 रुपया, 21 मॉडल, 3 सिलेंडर गाड़ी है। 3 सिलेंडर की गाड़ी है। बात करें इस ट्रैक्टर से तो क्या किसी भी तरह के यूज में कर सकते हैं? कोई सा यूज कर सकते हैं। दोस्तों यही था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी मेरे दोस्त मोतिहारी से अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आके अपने पसंद से यहाँ पे ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। आपसे मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि अगर कोई मेरा व्यूअर सब्सक्राइबर मेरा दोस्त आपके पास आता है ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो क्या उनको आप कुछ डिस्काउंट देंगे? देंगे, ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा। दोस्तों यही था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।